वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, 3 हफ्ते पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर वायरल फीवर के बारे में और स्टमक इन्फेक्शन के बारे में हमने आपसे बात करी थी। हम कोशिश कर रहे हैं आज के केवल थ्योरी आपके पास में ना लेकर आए, जो जो चीजों से जिस तरीके से हमारे पास में अगर कोई इन्फेक्शन होता है हमारे आसपास होता है, प्रैक्टिकली उन चीजों को करके देखिए और देखिए कि उनकी एफिकेसी और उनके रिजल्ट्स कितने अच्छे हैं। 3 हफ्ते पहले जब हमें खुद को वायरल फीवर हुआ तो उसके बाद में कुछ रेमेडीज थी जो आपको वायरल फीवर वाली वीडियो में हमने बताई। उसके बाद में हमने 2 दिन के अंदर अंदर उस वायरल फीवर से हम रिकवर होने में कामयाब हुए, जिसके ऊपर एक और वीडियो बनाई गई थी जो अभी तक लॉन्च नहीं हुई, तो आज उसको हम लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब भी आप देखते हैं फीवर आपके घर में अगर होता है तो उसके साथ में एक और दिक्कत होती है, वो है कफ, कोल्ड। कोल्ड के साथ में हमेशा कफ है, या तो आपको सूखी खांसी होगी या बलगम के साथ में जो हमारे पास में वेट कफ होता है वो होता है, कंजेशन होता है। तो उस वाले कालांश को हम उसमें कवर नहीं कर पाए थे जिसको आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो समझते हैं जब भी हम बीमार होते हैं, कोल्ड कफ होता है, कोल्ड कफ अगर हम उसको ना ट्रीट करें या फिर किसी और तरह का अगर ज्यादा इंफेक्शन हो जाए चेस्ट का तो आगे जाके ये ब्रोंकाइटिस बनता है, अस्थमा बनता है। तो इस चीज को हम कैसे टैकल कर सकते हैं और अपने घर के अंदर इन चीजों से कैसे बचा सकते हैं। अब आज की वीडियो की सीरियसनेस आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि हमने 3 महीने पहले जो एक वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने केवल 2 ही बीमारियां जिनसे सावधान रहने के लिए आपसे कहा था, एक था ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, कफ एंड कोल्ड, और दूसरा है कैंसर। हमारे आकलन के अनुसार अगले 3 साल के अंदर आपके घर के अंदर ये 2 बीमारियां हैं जिनके बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और आज मैं फैक्ट बाय फैक्ट बात करूंगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, कोल्ड, कफ, ब्रोंकाइटिस या अस्थमा, इसके होने के चांसेस आपके घर के अंदर ज्यादा क्यों है। सबसे पहले समझिए, हम सब लोग जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वेदर का फ्लक्चुएशन हो रहा है, मार्च का महीना आ गया है, बारिश हो रही है, ठंड हो रही है, हमने स्वेटर्स पहने हुए हैं। आज से पहले शायद पता नहीं कभी ये ऐसा होता था कि नहीं होता था। ये चीज हमें समझनी है कि वेदर का फ्लक्चुएशन बहुत रैपिड होता है, किस महीने में हमें ठंड ज्यादा रहेगी या गर्मी ज्यादा रहेगी ये नहीं पता। तो इसी वजह से हमारी जो बॉडी है इसके अंदर हमें बीमार पड़ने के, कोल्ड कफ के जो चांसेस है वो ज्यादा होने लग गए और किसी भी महीने के अंदर ये हो सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमारी खुद की इम्यूनिटी जो है वो डाउन हो रही है। यहाँ पे वेदर फ्लक्चुएशन बढ़ने लग गए हैं और खुद की इम्यूनिटी हमारी दिन प्रतिदिन डाउन होती जा रही है। इम्यूनिटी डाउन होने के 2 मेजर रीजंस है, पहला है पॉल्यूशन और दूसरा हमारा लाइफस्टाइल। पॉल्यूशन सबसे बड़ा रीजन इसलिए है क्योंकि दिन रात जो हवा हम जो सांस है जो वो ले रहे हैं उसके साथ साथ टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है लेकिन पॉल्यूशन के लेवल्स इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जितने भी भारत की मेट्रो सिटीज है डेंजरस लेवल से ऊपर है। और उससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये दिन प्रतिदिन इसकी इम्यूनिटी जो है वो डाउन होती जा रही है। तो जैसे हमें कफ कोल्ड होता है, अगर आज खांसी हुई है प्रॉब्लम तो ये है कि अब कफ हुआ है, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हम इससे रिकवर नहीं कर पा रहे। 3 हफ्ते हो गए हैं वायरल फीवर के बाद में जब हमें खुद ही कफ हो रहा है, ड्राई कफ है जिससे हम अभी तक रिकवर नहीं कर पाए। तो इसीलिए हम दिन प्रतिदिन इन चीजों को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनकी एफिकेसी को पता कर सके कि ये कितनी एफिकेशियस है। तो सबसे पहले समझे कि अगर पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हमने वीडियो के अंदर आपको बताया इंडोर प्लांट्स, खासकर इंडोर प्लांट्स के यूज को समझिए। हम ज्यादातर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको वो बताते हैं जिसके ऊपर इमीडिएटली आप जो करके इमीडिएटली आप उससे रेजोल्यूशन पा सके। इस तरह के कम से कम 15 प्लांट्स है जो नासा ने बताए, लेकिन अपने घर के कमरों में 2 प्लांट्स है जो आप लगा सकते हैं, एक स्नेक प्लांट है, एक एरिका पाम है। ड्यू टू वेरियस रीजंस ये हमने अपनी वीडियोस में बताए हुए हैं क्यों ये दोनों प्लांट्स को चूज किया गया आउट ऑफ 15 to 20 plants। लेकिन एक स्नेक प्लांट मिड साइज और एक एरिका पाम अगर आपके घर के कमरों में है, अगर आपके घर के अंदर आपने फैलाया हुआ है, आप पोल्यूशन के जो टॉक्सिक लेवल्स हैं, जो हमारे पास में टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स हैं, उनको अपने घर में कम कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मास्क आपने अभी देख ही लिए होंगे, मार्केट में आने लग गए हैं ये जो थोड़े से अच्छे सुपीरियर मास्क होते हैं। इसके अंदर एक तरह का फिल्टर लगा होता है जिससे सांस लेने में आसानी नहीं होती है, आसानी होती है और बाहर भी जो है सांस जो है आसानी से जा सकता है। जब भी आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, जब आप बाइक पे कहीं जा रहे हैं या इस तरह से अगर कभी लंबे आप 1 घंटे के या 1.5 घंटे के सफर में जा रहे हैं, तब इन मास्क का प्रयोग करें ताकि पॉल्यूशन लेवल से जो है आप बच सके। अब बात आती है कि जब हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं तब तो ये मास्क लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम ऑफिस में बैठे हैं या अगर हम कभी किसी पार्टी में गए हैं, वहां पर अगर ओपन पार्टी है वहां पे अगर पोल्यूशन होता है तो क्या कर सकते हैं। इसके लिए हमने आपको बताया था कि नेजो फिल्टर्स हमारे पास में पॉल्यूशन के लिए, दिल्ली IIT के बच्चों ने ये बहुत अच्छी एक टेक्नोलॉजी बनाई है नेजो फिल्टर्स। तो नेजो फिल्टर्स के बारे में आप सर्च करें, ये वो मास्क है, ये वो फिल्टर्स हैं जो आप ऐसी जगह पे लगा सकते हैं जहां पे आपको, आप चाहते हैं कि मुझे लगाया हुआ मास्क जो है किसी को ज्यादा ना दिखे, तो ये इंडोर पोल्यूशन से बचाने में आपकी काफी हद तक मदद करेगा। तो प्लांट से पहली चीज हुई, दूसरी हुई मास्क, तीसरा हुआ नेजो फिल्टर। चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो अपने घर के अंदर पोल्यूशन को कम करने के लिए आप कर सकते हैं वो है इस तरह की किट आप ले सकते हैं, दिया।
कपूर एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप घर के अंदर जलाते हैं तो उससे हवा शुद्ध होती है, पोल्यूशन लेवल्स कंट्रोल होते हैं। तो ऐसे केस के अंदर हमने क्या चीज बताई, इस तरह का एक बर्नर है जिसके ऊपर आप तुलसी, आप नीम, लेमन ग्रास, इस तरह के जो ऑयल्स होते हैं शुद्ध एसेंशियल ऑयल्स, उनको डाल सकते हैं और साथ साथ इसमें कपूर डाल के नीचे से आप लिट कर सकते हैं, जैसे ही हमने लिट किया हुआ है। इससे आपके घर के अंदर जो पैथोजेंस हैं, जो जर्म्स हैं, उनको भी आप किल करेंगे और पॉल्यूशन लेवल्स को भी आप डाउन कर सकेंगे। एक और चीज होती है जिसके ऊपर हम अभी आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे पाएंगे क्योंकि इसके ऊपर हमें प्रैक्टिकल जो एक्सपेरिमेंट्स हैं या ऑब्जर्वेशंस हमें करनी होगी टू सी द एफिकेसी ऑफ दिस, बट ये होता है अग्निहोत्र यज्ञ। तो ऐसा साइंस में, एंशियंट वैदिक साइंस जो है उसमें बताया गया कि यज्ञ जो हम करते हैं इससे पॉल्यूशन लेवल्स को काफी हद तक कम किया जा सकता है, लेकिन इसको हमें करना होगा प्रैक्टिकली करके। अगर इसमें से हम कोई निष्कर्ष निकाल पाएंगे तो आप तक लेकर आएंगे कैसे ये कम हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नेट इज ओपन टू ऑल, अगर आप रिसर्च कर सके तो करिए। और अग्निहोत्र यज्ञ अगर अपने घर के अंदर आप करते हैं उससे पॉल्यूशन लेवल्स को काफी हद तक आप कंट्रोल कर लेंगे। तो ये पांच छह चीजें हैं जो हम ढूंढ पाए हैं जिससे हमें लगता है कि घर के पॉल्यूशन लेवल्स को आप कंट्रोल करेंगे। पॉल्यूशन जितना अपने घर के अंदर कम होगा, जितना आप घर के अंदर क्योंकि मैक्सिमम समय बिताते हैं, अगर वहां पर ये कम करेंगे तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और ज्यादा हेल्दी होने के चांसेस है। अब इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हम गलती क्या कर रहे हैं, लाइफस्टाइल की। लाइफस्टाइल में गलती ये कर रहे हैं, जितनी वो हर्ब्स थी जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए इस्तेमाल होनी थी, हम उसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर रहे क्योंकि यार 3 हफ्ते हो गए। तो इसके अंदर काफी हद तक हमने इसको ऑब्जर्वेशन में डाला है टू सी द एफिकेसी के कौन कौन से कॉन्कॉक्शन की कितनी एफिकेसी काम करती है। एंड बिलीव मी, अगर आप सही ढंग से बनाते हैं तो इमीडिएटली पीते ही जो कॉन्कॉक्शन हम आपको बता रहे हैं, आज 3 तरह के हम आपको कॉन्कॉक्शन बताएंगे जो आप कफ कोल्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं, इमीडिएटली आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं कि कितना एफिकेशियस वो आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर सर्दियां हैं, वेट कफ है आपको, कंजेशन है, तब ये एक टर्मरिक कॉन्कॉक्शन आप जरूर बनाइएगा। मैंने 2 बीमारियों के लिए आपको बताया है, अगर कोई एक ऐसी चीज है जो कैंसर में भी और ब्रोंकाइटिस अस्थमा दोनों के अंदर आपको बहुत अच्छा रिलीफ दे सकती है, वो है टर्मरिक कॉन्कॉक्शन। बनेगा कैसे, बड़ी सावधानी से देखिएगा। 1.5 कप पानी लेना है, उसके अंदर आपने बिल्कुल जो चुटकी मात्र जो है वो काली मिर्च डालनी है। तो 1.5 कप पानी के अंदर आपने 1/2 चम्मच पहले हल्दी डाली, फिर चुटकी सी जो है वो आप काली मिर्च डालिए, उसके बाद में 1/4 चम्मच सौंठ, ड्राई जिंजर जिसे बोलते हैं, और उसके बाद में 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर ले सकते हैं। ये 4 चीजें डाल के पानी में आपको पकानी है। 1.5 कप पानी, उसके अंदर 1/2 चम्मच हल्दी, थोड़ी सी आपने काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा उसमें 1/4 चम्मच ड्राई जिंजर, उसके बाद 1/4 चम्मच दालचीनी, ये डाल के उस कॉन्कॉक्शन को आपको पकाना है और आराम से सुबह फ्रेश होने के बाद में सिप बाय सिप इसको पीना है। बिलीव मी, कैंसर की थेरेपी के लिए और सर्दियों के अंदर जो जिन लोगों के जोड़ों में दर्द रहता है उन चीजों के लिए 256 से ज्यादा रोग है जो ये कॉन्कॉक्शन आपको ठीक कर सकता है। सर्दी में जो कंजेशन है, वेट कफ है, इस वेट कफ को खींचने की ताकत इसके अंदर, तो ये कॉन्कॉक्शन जो है ये आप बिल्कुल पी सकते हैं और ये बहुत ज्यादा लाभदायक आपको सिद्ध होगा। अगर आपको नहीं भी है सर्दी खांसी तब भी आप इस कॉन्कॉक्शन को जरूर पिए, ये आपकी बहुत मदद करेगा। इसके बाद में दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि ये हल्दी का काढ़ा, इसकी एक ही कमी है, वो ये है कि ये गर्म बहुत होता है, इसकी तासीर गर्म कर दी, हल्दी भी गर्म, काली मिर्च भी गर्म, ड्राई जिंजर भी गर्म, सिनेमन भी गर्म, तो अब ये गर्म तासीर वाला हो गया, इसलिए मैंने आपको कहा सर्दियों में इसको पीजिए या बरसातों में पीजिए या वेट कफ जब आपको है, ठंडी लगी हुई है तब आप इसको पीजिए। अगर ऐसा कोई सीजन नहीं है या सर्दियां नहीं है तब मैं उस टाइम पे कैसे अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को या रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत कर सकता हूं। दूसरी हर्ब्स आते हैं जो मदद करेंगी। सुबह 1 गिलास पानी है, उसमें 1 चम्मच व्हीट ग्रास पाउडर, व्हीट ग्रास और मोरिंगा, मैक्सिमम वीडियोस में हम आपको बताते हैं व्हीट ग्रास और मोरिंगा आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहने वाला है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच व्हीट ग्रास पाउडर, उसके बाद 1 चम्मच शुद्ध ऑर्गेनिक शहद, शहद में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करिए, ये ऑर्गेनिक होना बहुत जरूरी है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा मिलावटी शहद मिल रहा है। 1 चम्मच व्हीट ग्रास, 1 चम्मच शहद, थोड़ा सा दालचीनी पाउडर और थोड़ा सा पुनर्नवा हर्ब। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, पुनर्नवा जैसा बताया गया वेदों के अंदर जो आपके हर अंग को नया कर सकती है, ऐसी पुनर्नवा हर्ब होती है, तो इसका ऑर्गेनिक पाउडर मिल सकता है आपको, ऑर्गेनिक हर्ब मिल सकती है आपको। तो 1 चम्मच जो है आपने व्हीट ग्रास, 1 चम्मच हनी, उसमें 1/4 चम्मच सिनेमन और थोड़ा सा पुनर्नवा पाउडर आप डालकर सुबह कॉन्कॉक्शन बनाकर इसको पी सकते हैं। ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बड़ा जबरदस्त बढ़ाएगा और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्दी रहने वाला है।
तीसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, तीसरी चीज है तुलसी के पत्ते। अगर घर के आंगन में तुलसी है तो तुलसी के पत्तों को जो है सुबह पूजा करने के बाद में आप तोड़े और घर में जो भी पानी है चाहे मटका है चाहे कुछ है उसमें उस तुलसी के पत्तों को डाल के रखें। ये तुलसी आपके शरीर के अंदर जाकर बहुत मदद करेगी। अगर घर के आंगन में तुलसी नहीं है तो तुलसी ड्रॉप्स का आप सहारा ले सकते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनिक जो है तुलसी के एक्सट्रैक्ट जो होते हैं वो निकाले जाते हैं। इस तरह की ड्रॉप्स जो है यूजली एक लीटर पानी में 12 बूंदे डलती है, तो एक लीटर के अंदर आपने 12 बूंदे डाली और वो जो बॉटल है वो आप अपने ऑफिस में या अपने दिनचर्या में अपने साथ ले गए, वो पानी आपके अंदर गया तो पानी के साथ तुलसी गई, ये आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने में मदद करेगी। तो ये चीज है। तो और ये जो मैं आपको रेमेडीज बता रहा हूं ये आप अगर जैसे आपको इन्फेक्शन है या कुछ है तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथी चीज आ गई आपको सिरप्स। जब आप मार्केट में जाते हैं एलोपैथिक सिरप्स लेते हैं, देखिए एलोपैथिक सिरप्स लेके आपको 3 दिन में 4 दिन में आराम तो आ जाएगा लेकिन उससे प्रॉब्लम ये है ना तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होगा, दूसरी बात उसके साइड इफेक्ट्स होंगे अलग। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हर्बल रेमेडीज से आपको वापस जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करें। तो इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस तरह के सिरप्स भी बना रही हैं जिनके अंदर आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स कलर या इस तरह की चीजें नहीं डलती। जैसे हर्बल कंकोक्शन हम आपको बता रहे हैं वैसे हर्बल कंकोक्शन वो बता रहे हैं। अगर आपको लगता है आप ये चीजें नहीं कर सकते तब एट अ लास्ट रिजोर्ट वो आपकी थोड़ी मदद कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं जो एफिकेसी आपको इनकी मिलेगी उतनी ज्यादा एफिकेशियस ये सिरप नहीं होने वाले। ये केवल और केवल एज अ सप्लीमेंट्री थेरेपी हो सकती है। इसके बाद में एक और पॉइंट है जिसको हमें थोड़ा समझना है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों को कोल्ड कफ हो गया तो हम क्या करें? बच्चों को अगर कोल्ड कफ हो गया तब ना तो वो हल्दी का काढ़ा पीने वाले हैं, ना बच्चे हमारा व्हीट ग्रास का जो कॉन्कॉक्शन है वो पीने वाले हैं, ना इस तरह से वो तुलसी के अंदर तो आप फिर भी उन्हें दे सकते हैं और ये सिरप भी नहीं पी पाएंगे क्योंकि सिरप भी हर्ब्स का बना हुआ है, कड़वा बहुत है। तो बच्चों के लिए क्या करिए, हमने देखिए आज एक्सपेरिमेंट किया और कुछ एक चीज बनाने की कोशिश की। ये एक बोट है, इसके अंदर हमने किया क्या, हमने ड्राई जिंजर पाउडर डाल दिया, सिनेमन डाल दिया, मुलेठी लिकराइस डाल दिया। अब जैसे मैंने ये हर्ब्स बताई हैं आपको, ये इन्हीं में से ली गई हर्ब्स है। ड्राई जिंजर लीजिए, सिनेमन लीजिए, मुलेठी लीजिए, थोड़ा सा लौंग पाउडर लीजिए, सबको मिक्स कर लीजिए ऐसे एक बॉट के अंदर। और ये मिक्स करने के बाद में एक चम्मच शहद के साथ में थोड़ा सा ये मिक्स किया और बच्चे को आपने चटा दिया। शहद के साथ में ये हर्ब का कॉन्कॉक्शन उसको देना बड़ा आसान है, वो बच्चा आराम से ले भी लेगा और उसकी खांसी में सर्दी में आप बहुत हद तक मदद भी कर पाएंगे। तो ये एक कॉमन सेंस की चीज है जो हम आपके सामने लेकर आए हैं, हमें लगता है कि ये आपके लिए लाभदायक होगी। आप इन चीजों को ट्राई करें घर में, अपने बच्चों के रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने की आज से ही कोशिश करिए क्योंकि अब आने वाले समय के अंदर खांसी होना बहुत वल्नरेबल है। आपके बच्चे जिनको सर्दी खांसी होगी और उसको ठीक होने में समय उससे भी ज्यादा लगेगा क्योंकि पॉल्यूशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप सभी अपने जीवन में जैविक पद्धति अपनाएं, अच्छा स्वास्थ्य पाएं। गो ऑर्गेनिक, गो हेल्दी विद वाक्षी। वंदे मातरम।